टीकमगढ़ थाना प्रभारी प्रीति भार्गव ने पत्रकार अनिल रावत के साथ अभद्रता का व्यवहार किया, जिसको लेकर पत्रकारों ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। टीकमगढ़ कोतवाली में पदस्थ प्रीति भार्गव TI ने पत्रकार अनिल रावत से अभद्र व्यवहार किया था, साथ ही मोबाइल छीन लिया। पत्रकार अनिल रावत ने बताया, अपने निजी काम से थाना प्रभारी प्रीति भार्गव के पास गया था, जिसको लेकर उन्होंने अभद्रता करते हुए मुझे बाहर बैठने के लिए कहा। कोतवाली में पदस्थ एक आरक्षक ने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे ऊपर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी प्रीति भार्गव के इस रवैये से आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। 24 घंटे के अंदर निलंबन की कार्रवाई नहीं होती है तो हम समस्त पत्रकार साथियों को मजबूर होकर पुलिस प्रशासन के विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अतः ऐसी स्थिति को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आज हम कोतवाली में एक काम से गए थे, पर्सनल काम था थोड़ा सा, तो कल शाम को TI मैडम से बात भी हो गई थी। आज हम जब कोतवाली पहुंचे तो वो किसी मामले को लेकर दो पक्षों की अपने चैम्बर में सुनवाई कर रही थी, तो ये देख के मैं बाहर बैठ गया कि अपना काम करने में लगभग 20 मिनट बाहर बैठा रहा। उसके बाद वहाँ से उनके कक्ष से 4-5 लोग बाहर निकल के आए, तो मैंने सोचा इनका चैम्बर खाली हो गया, मैडम फ्री हैं, तो मैं अंदर गया तो दो लोग थे, तो मैंने कहा मैडम 5 मिनट की बात है, आपसे बात कर ली। हाँ हाँ चलिए आप बाहर बैठिए। उनका बड़ा मतलब बहुत बेइज्जत अच्छे तरीके से उनका टॉकिंग वे ठीक नहीं था, तो ये मुझे अच्छा लगा। मैडम मैं पत्रकार हूँ और आप इस तरह से बात करें, कह लें हाँ कोई भी हो चलिए बाहर बैठिए बोल दिया ना ऐसा वैसा, मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा मैडम आप तमीज़ से बोल दें, मैं आधा घंटे से बैठा हूँ और वेट कर लूँगा, इसमें कोई बात नहीं है। इतने में दो आरक्षक आ गए, अभद्रता करने लगे, TI मैडम भी चिल्लाने लगी, चीर दूंगी फाड़ दूंगी और मोबाइल छीन लिया। मैंने इसकी भी सोचा कि SP साहब को बता दूँ कि किस तरह से बातचीत हो रही है, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और धकेल के मुझे अंदर बैठा दिया। इसकी जानकारी जब साथी पत्रकारों को तो पहुंची तो वो आए, बाद में एडिशनल साहब पहुंचे, SDOP साहब पहुंचे, उन लोगों ने समझाया, मामले को शांत कराया। लेकिन इस तरह का व्यवहार जो आम लोगों के साथ कोतवाली में हो रहा है वो ठीक नहीं है, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने गाली गलौज की। मैंने उसी समय बोला कि आप CCTV फुटेज में दिखवा लें कि मैंने गाली गलौज की या क्या हुआ, तो उसको वो उसके लिए भी तैयार नहीं थे। इस तरह का व्यवहार चल रहा है। तो आगे और पत्रकार साथियों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार साथी बोल रहे हैं ये हमेशा का मामला हो गया है, पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।